सब ढहा दिया। जब मैंने एसओ से बात किया तो उन्होंने कहा कैसी कोई बात नहीं है, एसडीएम से बात किया तो वो भी मुकर गए। फिर मैंने कहा मौका है आप जाके देख लीजिए, जब फिर वो मौका देखे तो कहें भाई ये तो हम लोग को जानकारी नहीं थी। मैंने कहा जानकारी नहीं थी तो इस पर कार्रवाई अब करिए, ऐसा क्यों? तो फिर स्थिति हुई कि अब चूंकि वो जिले का महामंत्री था, बसपा की गवर्नमेंट थी, कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोग डीएम से मिले अपना प्रतिनिधिमंडल की, भाई ये गर्मी जाड़े का दिन है, गर्मी होती तो ये कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन जाड़े का दिन उनको रहने की कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाए, इनको आवासीय कहीं अगर उनको ज़रूरत गिरा दिए हैं, नहीं रहने देना चाहते तो कहीं अन्यत्र दे दिया जाए। तो ना डीएम सुने, ना एस दरोगा सुने, ना एसडीएम सुने। फिर पार्टी धरने पे बैठी, लगभग 8 दिन धरना चला, भाई इनको आवास मुहैया कराया जाए या आवासीय पट्टा दे दिया जाए, तो बात नहीं बनी। तो 8वें दिन हम भी चले गए, तो जब पता लगा प्रशासन को कि हम जा रहे हैं तो थोड़ी भीड़ बढ़ गई, वहाँ लगभग 10,000 की भीड़ हो गई। तो उस दिन पूरा जिले के 16 थाने पीएससी मंगा करके और पूरा जो है तांडव हुआ धरना खत्म करने के उद्देश्य कि हटा दो, इन लोगों को लगा दो, मारपीट हुई, उसी में मुकदमा लिखा गया था। और उसी मामले में चूंकि कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि जो भी एमएलए और एमपी के केस है, एक लखनऊ में एक अलग न्यायालय बने हाई कोर्ट में और उसमें उनका निपटारा हो, तो उसी में केस वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी इलाहाबाद, तो उसी मामले में आज तारीख थी, उसी में आए। जमानती वारंट जारी हो गया था? नहीं, ऐसा जमानती वारंट नहीं, तो आज तारीख थी उसकी। अच्छा। तो कोर्ट से सरकार ने मुकदमा जो, चूंकि वो व्यक्तिगत कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, सरकार के द्वेष में कि ये लोग इस तरह के काम करते हैं, उस तरह के मुकदमे रहे हैं, तो उसको वापसी का भी उसमें नोटिस आ गई है, न्यायालय को आ गई है कि इनकी मुकदमे वापस कर लिए जाएं, चूंकि ये मामला राजनैतिक है। तो उस मामले में तारीख थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चल करके उस मामले में पेश हो जाना, फिर भाई कानून का उल्लंघन हम लोग जब करेंगे तो फिर और लोग कैसे चंदौली का मामला नहीं बना रहे।